वहाँ कैंपिंग में आप लोग ऐसा एंजॉय करना, हमारे वीडियो में मस्ती खूब होगी। हम लोग कम से कम 5 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे वहाँ पे। स्टेशन पे अभी पहुँचने वाले आपको बस थोड़े ही मिनट लगेंगे। नहर को क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है जो काफी क्यूट लग रहा है। तो ये सीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो खेत है, यहाँ गन्ने का, ये गन्ने का जा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री के टाइम पे आपको एक ऑफ रोड एडवेंचर मिलेगा और वहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा, नहीं बहुत बड़ा विशाल सा एक पहाड़ दिख रहा है मुझे। भाई क्या ऑफ रोड है, ये खतरनाक ऑफ रोड है। ये वाला गेट अपना, ओके गाड़ी पार्क कर देते हैं यहाँ पे, सामान वगैरह सब लेके जाते हैं और फिर बाद में और डिटेल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो फिलहाल तो यहाँ पे म्यूजिक चल रही है, बट अपने को म्यूजिक अवॉइड करना है। म्यूजिक अवॉइड करना है पहले तो अपना थोड़ा सा जो है नाश्ता पानी फिलहाल कर लेना है। बजिया अरे अरे मेरा भाई है परमेश, आ जा इधर दादा। टेंट वगैरह से कॉलेज पे 12 मतलब वो जो पानी वहाँ दिख रहा है वो यहाँ तक आ जाता है, इधर इधर पूरा। अरे बाबा, तो फिर ये बंद करना पड़ता है जगह बारिश के दिन में। अच्छा, अलाउड नहीं रहता है गवर्नमेंट। माउंटेन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम किधर है? तुम अच्छा कोल्ड बोलते हो। अरे महिंद्रा का रिसोर्ट है वो आगे वाला, इधर से पौना डैम। हां, पिंपरी चिंचोड़ को पानी जाता है। सनसेट का लास्ट सीन यही है, बहुत अच्छे का। साफ सफाई नहीं करेंगे तो ये लोग है ना, ये गवर्नमेंट का ये चार्ज लगाते हैं हम पे, इनके डेबिट मारते हैं उनका चार्ज लग। वो बोलते हैं साहब आपका आपका ये इधर धंधा है, बिजनेस आपका चालू और ये लोग गान करे नहीं क्या। जिसको मजा लेने का वो इसको यही टाइम पे आना पड़ता है, रात में आके कुछ फायदा नहीं। इस सीन को अपन गुड बाय बोलते हैं और हम चलते हैं अभी अपने कैंपिंग साइट के ऊपर। ओके चल। उधर ए पांड्या, देखो हम लोग दोनों तो आ गए हैं यहाँ पे, करेंगे थोड़ा सा चिल रिलैक्स, क्योंकि 2 घंटे का अपन ने गाड़ी से ट्रेवल करके आए हैं। और इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर है, उन लोगों से मिला, उन लोगों से बात किया, उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अपना एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, उससे मिलाता हूँ मैं आपको। ओके, तो ये हमारा स्पेशल गेस्ट है। अभी मैं बैडमिंटन फिर लेकर आ रही दीदी के मूवी वाले के। ये टेंट में 4 दिन रुकने वाला है और ये टेंट जो है इसमें मैं रुकूंगा। और यहाँ पे आ चुका है अपना भांड्या। और यू, हेलो, मैं बैडमिंटन लेकर आ गई हूँ। तू लेने था बैडमिंटन, किसको खेलने आता है? मुझे आता है, मुझे आता है। वाह, हमको बैडमिंटन खेलने जरा भी नहीं आता है। अभी हम हमारा सामान लेने जा रहे हैं क्योंकि सामान के बिना हम रह नहीं सकते। अच्छा, और तो सनसेट बस वहाँ से हो गया है और बस वहाँ पे भी पहाड़ दिख रहा है। ये सारा सामान जो है गाड़ी में से ये लोग खुद ही लेके आ रहे हैं, मेरा बैग ही हरा वाला है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, चल अभी जा टेंट में जाके रख दे सब, ठीक है, थैंक यू। जल्दी आ जाओ ऊपर, जल्दी जल्दी आ। पॉलिसी जा रही है तो मुझे जाना पड़ रहा है पापा लेने के लिए। तो अभी बज रहा है एग्जैक्टली 6:50 और थोड़े देर में शायद से हमारा स्टार्ट होने वाला है बारबेक्यू। ओके, तो उसका डायरेक्ट मैं सीन दिखाऊंगा बारबेक्यू का। अगर लाइट नहीं आ रही है अभी, इसमें लाइट आ रही है, ये तो पागल है। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ मैं कि यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, तो इधर मुझे रहने को बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इधर का एयर पोल्यूटेड है। यहाँ पर ये मेरी मम्मा भी आए हैं, मैं भी आई हूँ, और वो जो प्रीवियसली जो बताया टेंट, वो हम लोग चारों लेने वाले हैं। एंड एक जो अकेले का है उसमें मेरे मामू रहेंगे, जो है आप लोग के अच्छे के सब
उसके बाद हम लोग इधर अभी चिल कर रहे हैं गार्डन में, एकदम गार्डन सा है। और ये मेरी बहन और मामू खेल रहे हैं फुटबॉल। हाँ, और इधर का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, हम लोग भी झूला झूल रहे हैं। हाँ, इधर 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 दिखा दो इधर। हाँ, इतने तो इतना जल्दी बांडे तो हाथ में हाथ से दिखाता हूँ। देखा यहाँ पे चल रहा है फुल बारबेक्यू सेशन, और साथ ही साथ में अब तो उन्होंने पहले वेज लगाया है, अब वेज का हो जाएगा उनका, उसके बाद में जो है वो नॉन वेज लगाएंगे और फिर वो भी मैं शूट करूँगा। और पूरा एक्सपीरियंस जो है हम लोग ऐसे शूट करेंगे कि मैं हम लोग सिर्फ इन्जॉय नहीं करें, आप लोग भी अपने साथ इन्जॉय करें। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे जैसे अपना बनते रहेगा। हाँ वंडिया, आइसक्रीम चाहिए, लेकिन आइसक्रीम यहाँ पे तुम कहाँ लाओगे? उधर मिल रही है, मैंगो मैंगो कुल्फी। वाओ, कुल्फी मिल रही है, उनको रुका दिया। और ये वेज है ना सर? वेज बारबेक्यू है। और ये जा रहा है अभी जितने अपने यहाँ पे गेस्ट आए हैं उनके पास। कैसे है प्रिपरेशन तो हो गया है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से? ओके, बारबेक्यू का सेटअप है ये, बहुत अच्छा इन्होंने परमानेंट सेटअप बना के रखा है। मैं यहाँ से बारबेक्यू होके प्लेट में आया, प्लेट से एक क्वांटिटी प्रोपोर्शन में आ गया, और उसके बाद में अभी हल्का सा उस पर वेजिटेबल्स चाट मसाले और उसको प्रॉपर फिनिश और एक एडिशनल टच दिया जा रहा है। ओके, पाइनएप्पल है सर? पाइनएप्पल। ओके, ये थाली में जो आया है ये मैग्नेट पनीर है। ओके, अभी वो भट्टी में जाएगा, उधर वो जो ये है जाली है, इसके अंदर लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में वो कोयले पे रखा जाएगा, फिर वो पकने के बाद आपको सब किया जाएगा। प्रॉपर बारबेक्यू करने के लिए उसे टाइमिंग बहुत देखना पड़ता है, बार बार थोड़ा सा पलटना पड़ता है, तो ये भाई प्रॉपर उस पर ध्यान दे रहे हैं कि कोई ज़्यादा जल नहीं जाए। यहाँ पे पीछे भी जो है ये तुरंत कोई गैस को कम नहीं पड़ जाए, इस वजह से ये बहुत तैयारी हो रही है। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, अभी जो है ना थोड़े थोड़े करके लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लोग आना चालू कर दिए और टेंट्स फास्ट फास्ट यहाँ पे जो है भरे जा रहे हैं। मुझे लगा नहीं था लेकिन इतना समझ में आया कि आज सैटरडे है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्राउड होगा, और क्राउड बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे करके। हाँ, ये पकड़ो पकड़ो इसको, यहाँ से पकड़ो इसको पकड़ो। तो यहाँ पे बाय 10 बजे के आसपास अपना डिनर हो जाएगा, और उसके साथ में मैं कवर करूँगा कि मुझे जो टेंट मिला है वो टेंट का पूरा अंदर जाके, लेकिन अभी नहीं, इस टेंट में मैं रुकने वाला हूँ, और इस टेंट में जो मेरे दीदी एंड फैमिली है वो रुकेंगे। वाह, इसे कहते हैं वाह, इसे कहते हैं। अरे भाई ये तू ना, अरे भाई ये बाप, ये देखो इनको, डिनर के लिए आ जाओ। ओके, नॉन वेज सब्जी, पनीर की सब्जी। ओके ओके, पनीर लिया है और प्लेट लेके अपने टेबल के पास जा रहे हैं। टेबल के पास क्या बिना गिराए प्लेट को हम लोग लेके जा सकते हैं, देखते हैं। आधा तो गिर चुका है इसका।
फिर अपन ने यहाँ पे डिनर में कुछ सलाद लिया है, जलेबी ले लिया, चिकन का सुक्का हो गया, राइस हो गया, दो सालन हो गया, एक्स्ट्रा सालन और तीन चपाती। ये एक्टिविटी एरिया है जो मैंने शाम को ही बता दिया था आपको, और उसी के साथ में ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है। ओके, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। अभी होली आने वाली है तो होली के दिन धूम रहेगा, जैसे कि 31st वगैरह होता है तो 31st वगैरह के दिन जो है धूम रहेगा। तो यहाँ पे सारे टेंट्स लगे हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है वीडियोस में ये हाय ब्रो व्हाट्सअप हे व्हाट इज योर यूट्यूब चैनल हाय। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्स आती है, एकदम कूल वाइब्स, चिलिंग वाइब्स आती है, अच्छा लगता है। यहाँ पे एक थोड़ी देर पहले यहाँ पे लोग थे, कुछ पार्टीज कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे कोई लोग नहीं है। ओके, प्लेस नेम हो सिटाउन। अब मैं अगर ऐसे दिखाऊँ तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत अच्छा दिख रहा है। ये भी जलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तब तक काला काला धुआं निकलेगा लकड़ी का। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एक्सपीरियंस बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए कैसा है? अभी ठंडी लग रही है, ठंड बहुत है यहाँ पे, हवा टाइट हो गई। मैं कंटिन्यूस 2 घंटा बॉनफायर के सामने बैठा था, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई बॉनफायर के पास से हिलने की। ये है मेरा बेड यहाँ पे, बस टेंट है तो यही बेड होगा, राइट? डेफिनेटली। ओके, कि शूज़ जो है मैं यहाँ पे साइड में ही रख देता हूँ, पिलो नहीं है, बस ये बताइए है। ओढ़ूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, जो बाहर का नेट है इसको मैंने बंद कर दिया है। ओके, ठीक है, अब इसकी बारी है। की बैटरी चार्जिंग पे लगा के गया था, दोनों हो गई है। ओके, अब इसे पावर बैंक को मैं साइड में रखूँगा, रात को कनेक्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। सुबह 4 बजे, अब तक सोया नहीं है तो अभी पहले तो सो जाता है, कल सुबह में कितने बजे उठेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 बजे सो तो कितने बजे उठेंगे भाई, और ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पर एकदम नेचर के पास है, एकदम कोजी कोजी वाली फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं लग रहा था मैं सोऊंगा अभी, बट जैसे मैं लेटा हूँ यहाँ पे इस मैट के ऊपर, मैं डेफिनेटली कैमरा बंद करने के अगले सेकंड में सोने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन जो है वो सीधा मॉर्निंग का होगा। हाँ, गुड नाइट फॉर नाउ, बाय। गुड मॉर्निंग बेटा, आराम फ्रेश हो जाता हूँ, बाद में थोड़ा शूट करता हूँ। फाइनली जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सब जितने टेंट जो है लगाए गए थे वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आज तो संडे है और डेफिनेटली वो लोग इतने ही टेंट लगाएंगे जितना उनको ज़रूरत है। ओके, और ये भाई साहब हमारे पास, हमारे छोटे भाई साहब फिर हमको दिख गए। तो हमें रात की, मुझे नहीं लगा था यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ जाएगी, बट ठंडी पड़ गई। ठंडी अचानक से बढ़े जा रही है, और मैंने एक चादर ओढ़ा है, फिर मैंने बोला अभी भी लग रही है, फिर मैंने दूसरी चादर ओढ़ लिया, एंड देन मुझे पता चला आपको एक स्लीपिंग बैग की ज़रूरत है। ओके, अब बाकी है अपना चाय वाय पीना, थोड़ा सा नाश्ता कर। हाल यहाँ पे ब्रेकफास्ट, आपको पोहा मिल जाएगा। ओके, और ठीक है, तो अगर ब्रेकफास्ट के लिए आप लोगों को पोहा नहीं चाहिए तो डेफिनेटली अपना इंतज़ाम बंदोबस्त करके आओ। जैसा है कुछ बताना थोड़ा सा जी, आई नहीं कुछ बोल थोड़ा सा कुछ। क्या हमारा कैंप है इधर? अरे वो कल से तू वही बोल रहा है, कुछ नया मिलना? नया क्या बोल,
कुछ बोल रहे थे अपने बारे में बता थोड़ा। मेरा नेम पृथ्वीराज पाशेल है। हाँ, और अभी स्कूल में कॉलेज में? स्कूल में। हाँ, तो स्कूल कैसे मैनेज करते हो, कभी जाते हो? इधर छुट्टी के दिन इधर होता है। छुट्टी के दिन इधर? अच्छा, तो अभी चाय बनी है क्या? हाँ। अच्छा तो चलो ठीक है, मैं आता हूँ। मैं अभी पानी के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले हल्का फुल्का सा कर देता हूँ। वही ये झिंगू लोग कैसे है तुम लोग, इंजॉय कर रहे? बहुत मजा आ रहा है। अरे वही ई कौन है? ई क्या होगा, ई कहाँ होगा? ठीक है, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कायाकिंग भी कर रहे हैं धूप में। धूप तो अच्छा, शाम को कर लो अच्छा है। वहाँ पे है लोग। ओके, मैं खुद अभी जाने वाला हूँ पानी के अंदर। ये कॉट आता हूँ। अब सीन ये है कि सब चीज़ जो है ना खाली हो गई, यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे अलावा। ओके, और बस हमको भी अभी निकलना ही यहाँ से। अगर ये वीडियो आप लोगों ने बिना स्किप करे देखा है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप पवना कैंपिंग पे आते हो तो आपको ऑलरेडी मेरी वीडियो में दिख जाएगा कि आपको क्या किस वक्त और कितनी एमिनिटीज़ वगैरह मिलती है यहाँ पे। बस इसी सुखद मोमेंट पे वीडियो को अपन एंड करते हैं, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो। ओके,